नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। आज फिर आपके लिए एक नया आसन लेकर आए हैं हठ योग ग्रंथ से, जिसका नाम है कुर्मासन। तो चलिए कुर्मासन की विधि जानेंगे सबसे पहले, फिर इसके लाभ जानेंगे, फिर इसकी समय अवधि, फिर इसकी सावधानी जानेंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन है, आप देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और करने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। अब लगाना है आपको पद्मासन। तो इस तरीके से आपने पद्मासन लगाया, एक पैर को उठाया फिर दूसरे पैर को, तो ये लग गया आपका पद्मासन। क्योंकि पद्मासन लगाएंगे तभी आप कुर्मासन लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जंगा और पिंडली के बीच में से आपके हाथ को इस तरीके से बाहर निकालना है, ठीक है। कान से छू के देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है हाथ को निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से जमीन के ऊपर लेट जाना है, इसी मुद्रा। इस तरीके से आप गले पकड़ को लेट जाइए। तो अभी आप कर रहे हैं कुर्मासन का, ठीक है। अभी आपने देखा कुर्मासन का अभ्यास, कुर्मासन करने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले इसके लाभ कर लीजिए। पहला इसका जो लाभ है, इससे आपका मेरुदंड लचीला होता है। दूसरा, हाथों की मांसपेशियों में लचीलापन आता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी समय अवधि जानते हैं, तो इसको 10 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी क्या रखना है, जिन लोगों को सर्वाइकल का दर्द, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, गर्भवती महिलाएं हो, घुटने में दर्द हो, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। एक छोटा सा आसन था, इसका नाम था कुर्मासन, हठ योग ग्रंथ से है। इसका अभ्यास कीजिएगा, काफी लाभदायक है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।